इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंडिया टीवी आपकी आवाज। दिल्ली में ममता का सियासी मेल मुलाकात, ममता बनर्जी से मिले कांग्रेस नेता कमलनाथ, सोनिया गांधी से ममता कल करेंगी मुलाकात। पीएम के साथ मुलाकात से पहले ममता का सियासी बैठकें, आज शाम 4 बजे पीएम मोदी से होनी है मुलाकात, कल राष्ट्रपति से भी मिलेंगी ममता बनर्जी। पेगासस के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, गृहमंत्री अमित शाह के घर के बाहर नारेबाजी, अमित शाह का मांगा इस्तीफा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, बस में भरकर प्रदर्शनकारियों को ले गई पुलिस। जासूसी मुद्दे पर किसान आंदोलन पर लोकसभा में हंगामा, सदन की कार्यवाही 2:00 PM तक के लिए स्थगित। लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा किसानों को लेकर दर्द है तो सदन को चलने दें। कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी के सांसदों ने जासूसी के मुद्दे पर, अकाली दल ने किसान आंदोलन पर की नारेबाजी, आसन तक पहुंचे लोकसभा स्पीकर ने कहा नारेबाजी में ना करें कंपटीशन। पेगासस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर चर्चा के मांग को लेकर आज भी संसद में जोरदार हंगामा हुआ, आज भी नहीं हो सका कामकाज। संसद परिसर में कांग्रेसी सांसदों का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के सामने की नारेबाजी। अकाली दल के सांसदों ने भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया। हरसिमरत कौर बादल ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। संसद के बाहर भी विपक्ष हमलावर, आनंद शर्मा ने कहा संसद में गतिरोध के लिए सरकार जिम्मेदार, सरकार पर जासूसी के मुद्दे पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। आरजेडी के मनोज झा ने कहा पीएम मोदी और गृहमंत्री सदन में आए, जासूसी पर हो विस्तार से चर्चा, मंत्री का जवाब नाकाफी, मनोज झा ने कहा विस्तार से चर्चा हो, पीएम मोदी और गृहमंत्री सदन में जरूर आए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस पर बरसे पीएम, कहा कांग्रेस न बैठक में आती है न संसद चलने देती है, विपक्ष का असली चेहरा सामने लाने के लिए कहा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा आजादी के 75 साल में 75 गांव जाएं, 75 घंटे रुके। यूपी पुलिस का बड़ा ऐलान, कहा यूपी में रोहिंग्या मानव तस्करी में शामिल, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के एडीजी ने कहा रोहिंग्या को नोएडा गाजियाबाद में बसाया जा रहा है, यूपी एटीएस ने गाजियाबाद से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम ने एनसीआर इलाके से महिला तस्करी में शामिल 3 आरोपियों को पकड़ा, 2 लड़कियां भी बरामद हुई। बॉर्डर विवाद में शहीद 5 पुलिस वालों के परिवार वालों को असम सरकार देगी 50-50 लाख रुपए, घायलों को 1-1 लाख की मदद, असम के सीएम ने किया ऐलान। हेमंत बिस्व शर्मा ने मिजोरम सरकार पर असम की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया, कहा हमारी 1 इंच जमीन भी कोई ले नहीं सकता। 5 जवानों की मौत के बाद असम में 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक, हिंसा में एसपी समेत 50 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी, घायल एसपी को इलाज के लिए भेजा जाएगा मुंबई। मिजोरम बॉर्डर पर कल शहीद जवानों को असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने श्रद्धांजलि दी, सिलचर में पुलिस दफ्तर में दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने असम मिजोरम बॉर्डर पर हुई खूनी झड़प का आकलन करने के लिए 7 सदस्यों की एक समिति का गठन किया, भूपेन बोरा करेंगे समिति का नेतृत्व। राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च पर खुलासा, राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी के बंगले में छिपा कर रखा गया था ट्रैक्टर, दिल्ली पुलिस को नहीं लगी भनक। राहुल गांधी ट्रैक्टर मार्च पर बड़ा खुलासा, कई दिनों से चल रही थी ट्रैक्टर लाने की तैयारी, दिल्ली पुलिस जांच में जुटी, कैसे और किस रूट से दिल्ली में ट्रैक्टर लाया गया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का हैरान करने वाला कदम, विधानसभा का किया बहिष्कार, विधायक के आरोपों की पहले जांच करवाने के लिए कहा। टीपी सिंह के विधानसभा के बहिष्कार पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, कहा जब मंत्री का भरोसा सरकार से उठ गया तो छत्तीसगढ़ की जनता कैसे करेगी भरोसा। पोर्नोग्राफी रैकेट केस में गिरफ्तार राजकुंद्रा की मुंबई की अदालत में पेशी, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। मुंबई पुलिस ने राजकुंद्रा के मुंबई के 2 बैंकों में खाते किए सीज, 1 बैंक के खाते में 1,13,00,000 रुपए हैं जमा। शर्लिन चोपड़ा ने मुंबई के सेशंस कोर्ट में दी अग्रिम जमानत की अर्जी, आज हो सकती है सुनवाई, क्राइम ब्रांच ने शर्लिन को पूछताछ के लिए भेजा था समन। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस, देश छोड़कर बाहर जाने पर है रोक। सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में दिल्ली की अदालत में टली सुनवाई, अब राउज एवेन्यू कोर्ट में 18 अगस्त को करेगी आरोप तय करने पर फैसला। आंध्र प्रदेश के कड़पा में टीपू सुल्तान की मूर्ति स्थापना पर बवाल, प्रशासन के फैसले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली सरकार ने इस साल के पद्म पुरस्कारों के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम भेजने का फैसला किया, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। केजरीवाल ने कहा पद्म पुरस्कारों के लिए भेजे जाने वाले डॉक्टर्स का नाम जनता बताएगी, 15 अगस्त तक लोग मेल करके अपने सुझाव देंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने नेताओं को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा न करने की सलाह दी, कहा इससे राहत और बचाव काम पर पड़ता है असर। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पवार की छुट्टी, का केंद्र सरकार से बाढ़ प्रभावितों के लिए फंड में कर सकते हैं राज्यपाल मदद।
दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, मात्र ढाई घंटे की बारिश में 100 mm बारिश दर्ज की गई। सेंट्रल और साउथ दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। राजधानी दिल्ली में बारिश के दौरान नजर आई हैरान करने वाली तस्वीर, एयरपोर्ट रोड पर लो फ्लोर बस में घुस गया पानी। दिल्ली में ITO पर पानी भरने के बाद लगा भीषण जाम, रेंगती नजर आई गाड़ियां, दफ्तर जाने वाले लोग रहे परेशान। दिल्ली में भारी बारिश के बाद मिंटो रोड अंडर ब्रिज में भरा पानी, फिलहाल ट्रैफिक पर रोक नहीं, पानी निकालने का काम जारी है। देश में करीब 4 महीने बाद आए एक दिन में 30,000 से कम कोरोना के केस, 24 घंटे में 415 लोगों की जान गई। मुंबई के रजवाड़ी अस्पताल में वैक्सीन के लिए लगी लंबी कतार, सेंटर के पास सिर्फ 200 डोज हैं, 2,000 से ज्यादा लोगों की लाइन लगी है। वैक्सीन की कमी पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, कहा हमें कम मिल रही है वैक्सीन, केंद्र सरकार से मांगी और वैक्सीन। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिलाया भरोसा, अगले महीने से बच्चों को लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। उत्तराखंड सरकार ने क्लास 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलने की इजाजत दी, 1 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई आपात बैठक, कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे भारत के बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, जर्मनी के बॉक्सर को 3-2 से हराया। ओलंपिक हॉकी में टीम इंडिया के पदक जीतने की उम्मीद कायम है, स्पेन को 3-0 से शिकस्त दी, भारत की ये दूसरी जीत है। टेबल टेनिस में भारत की उम्मीदें टूटी, तीसरे दौर में स्टार प्लेयर शरत कमल चीन के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी से हार गए। टेनिस में जापान के जोरदार झटका, मेजबान देश की स्टार टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका तीसरे दौर में हारकर बाहर हुई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।